असलम वॉज़ नासिर ने कराम आज की ये मेरी वीडियो जो है वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस के ऊपर है कि जब हद से ज़्यादा आपको एंग्जाइटी पैदा हो या हद से ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल रहें तो स्ट्रेस को कम करने के लिए या एंगजाइटी को कम करने के लिए आप कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं और घर बैठे हुए आप इस्ट्रेस लेस और एंग्जाइटी लेस बन सकते हैं तो उस एंगल से आज की ये वीडियो जो है वो बड़ी अपनी इम्पोटेंस रखती है तो इस चीज़ के हिसाब से मैं कुछ टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ नंबर वन पर जो टिप है वो है फाइव इंटू थर्टी फाइव इंटू थर्टी का ये मकसद होता है कि हफ्ते में कम से कम तीन से पाँच मरतबा आप थर्टी मिनट्स तक जो है वो रोज़ाना या हर दूसरे दिन आप कम से कम आधे घंटे तक वाक करें योगा करें डांस करें या बाइक वगैरह चलाने की कोशिश करें या जॉगिंग करें वेट लिफ्टिंग करें ताकि इससे जो है वो काफ़ी हद तक पसीना आएगा और आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी के हवाले से आप के सीराटोनिन लेवल ब्रेन के अंदर जो है वो बढ़ जाएगी उसमें इजाफा हो जाएगा और आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस से कम हो सकता है नंबर टू पर टेक स्मॉल गोल्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मल्टी टारगेट लेने की कोशिश करते हैं या लंबे गोल्स अचीव करने की तगोतों में होते हैं या बड़े मुश्किल मुश्किल डिफ़िकल्ट टास्क लेने की कोशिश करते हैं तो अगर आपको एंगजाइटी है या आपको स्ट्रेस रहता है तो उसमें आप सिमाल सिमाल गोल्स जो हैं वो चूज़ करें और उनको जो है वो फुलफ़िल करने की कोशिश करें एक के बाद दूसरा गोल जो है वो अचीव करने की कोशिश करें तो उस हवाले से आप ओवर बर्ड नहीं हो सकेंगे और आपकी एंजाइटी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो सकती है और उसके साथ जो है वो तकरीबन आप एवरीडे यानी कि हफ़्ते के हर दिन बीस मिनट तक आप जो हैं वो रोज़ाना वाक करें कम से कम अगर वाक करनी है हफ्ते में रोज़ाना नहीं कर सकते तो हफ्ते में तीन दिन तक जो है वो ट्वेंटी मिनट्स तक आप वाक जो है वो अपने शेड्यूल में रख लें और उसके साथ साथ आप जो है वो हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करें और आप जो हैं वो एक बी पेशेंट यानी कि आप जो हैं वो लोगों के साथ जो है वो एक सोशल माहौल बनाने की कोशिश करें आपकी एंजाइटी से या आपके स्ट्रेस से दूसरे लोगों का कोई काम नहीं होता है कोई उनका सरोकार नहीं होता तो उस हवाले से आप कितने भी स्ट्रेस में हों कितनी भी एंजाइटी में हों लेकिन आप लोगों से अच्छा सलूक रखने की कोशिश करें ताकि लोग जो हैं जब आप उनसे अच्छा रबता रखेंगे अच्छा सलूक रखेंगे तो रेस्पॉन्स में जो है वो लोगों का रवैया जो है आपके हवाले से काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है और एक चीज़ ये भी है कि टेक टाइम आउट यानी कि महीने के अंदर कम से कम जो है वो एक से दो दिन आप बाहर निकलने की कोशिश करें कहीं आउटिंग करने की कोशिश करें फैमिली को टाइम देने की कोशिश करें एंजॉय करने की कोशिश करें कोई सिनेमा के ऊपर जाकर आप जो हैं वो मूवी देखने की कोशिश करें कहीं भी किसी होटल में चले जाएं अपनी फैमिली के साथ कोई म्यूज़िक सुनने की कोशिश करें मेडिटेट करने की कोशिश करें या आप जो हैं वो मसाज करवाएं या रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं वो आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें क्योंकि इन कोशिशों से काफ़ी हद तक आपकी एंजाइटी आपका स्ट्रेस या आपका जो डिप्रेशन है वो काफ़ी हद तक बेहतर बन सकता है और एक पॉइंट ये भी है कि ईट वेल बैलेंस्ड डाइट यानी कि डाइट जो है उसके अंदर मीट जो है वो काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करें और वेजिटेबल्स ज़्यादा इस्तेमाल करें फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा रखें और जो शुगर है या जो काप्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें और एक पॉइंट ये भी है कि लिमिट यूअर कैफीन एंड अल्कोहल शराब नोशी से जितना भी हो सके गुरेज करें कैफीन या चाय वगैरह का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करें और इनफ़ स्लिप नींद जो है वो ज़रूरी है तकरीबन सात से आठ घंटे तक ट्वेंटी फोर आवर्स में आप नींद करें और वो नींद आपकी रात के टाइम पर होनी चाहिए दिन में जो हो आप जो हैं वो एक नेप करें और वो नेप जो है वो आपका जो है वो पंद्रह से बीस मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए उसमें इजाफा कभी भी न करें और एक टिप मैं ये भी बताता जा रहा हूँ कि टेक डीप ब्रीथ यानी लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश करें क्योंकि जितने लंबे सांस आप लेंगे तो उससे जो है वो ज़्यादा तौर तो पर आपका डिप्रेशन आपकी एंग्जाइटी आपका टेंशन आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है और एक पॉइंट ये भी है कि काउंट टेन स्लोली आस्ता आस्ता जो है वो टेन तक आप काउंट करने की कोशिश करें स्लोली स्लोली बिल्कुल इस तरह के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यानी कि एक से दूसरे डिजिट तक जो है वो आपको कम से कम दो से तीन मिनट का जो है वो फासला रखना चाहिए क्योंकि जब ये काउंट करेंगे आप तो इससे काफ़ी हद तक आपकी एंगजाइटी आपका स्ट्रेस आपका जो डिप्रेशन है या अगर ख़ुदा खास्ता आप पैनिक अटैक में सफ़र कर रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है और एक पॉइंट ये भी है कि डू यू बेस्ट यानी कि आज अगर आपने कोई भी टारगेट मुकम्मल किया तो कल जो है वो उसे काफ़ी बेहतर बनाने की उस चीज़ को कोशिश करें और एक चीज़ ये भी है कि आप जो हैं वो एक्सेप्ट दैट यू आर नाट कनेक्ट विध एवरी थिंग यानी कि आप जो हैं वो ये न समझें कि आप ही कनेक्टेड हैं हर चीज़ से हर चीज़ जो है वो आपको ही करनी चाहिए नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लें कि आपका जो कनेक्शन है हो सकता है गलत भी हो सकता है कोई चीज़ आप गलत भी कर सकते हैं कोई चीज़ आप ठीक भी कर सकते हैं अगर आप ठीक चीज़ कर सकते हैं तो उसके ऊपर आपको खुश रहना चाहिए अगर आपने कोई चीज़ गलत कर ली तो उसको आगे चलकर जो है बेहतर बनाने की कोशिश करें और एक पॉइंट ये भी है कि गेट इनवॉल्व आप अपने आप को बिज़ी रखें मसरूफ़ रखें लोगों के साथ बातों के अंदर फनी लोगों के साथ मिलने जुलने की कोशिश करें फैमिली के साथ टाइम बिताएं और अपने दोस्तों के साथ जो है वो टाइम बिताने की कोशिश करें और एक चीज़ जो लास्ट वन है कि टाक टू समन जब आपके साथ कोई भी इशू क्रिएट हो जाए स्ट्रेस का हो एंग्जाइटी का हो टेंशन का हो टार्चर का हो सैडनेस का हो तो उसको अपने दिल के अंदर न रखें लेकिन वो शेयर करें आप अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि उसका जो हैवीनस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए और आप रिलैक्स हो जाएं अगर इन टिप्स के ऊपर आप ठीक तरह से अमल करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप एंग्जाइटी को आप स्ट्रेस को जो है वो मात दे सकते हैं अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर वालीकम्मी